नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा में अब कोई भी अभ्यर्थी मैक्सिमम 3 बारी परीक्षा दे सकता है। दोस्तों, सुबह से ही ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही है और आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। यदि आप भी इन सभी खबरों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये खबर उठी कहाँ से है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो आर्टिकल है ये सभी व्हाट्सएप और फेसबुक पेजेस पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि पीएनपी के सचिव ने अमर उजालों को इंटरव्यू में ये कहा है कि अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट होंगे और कोई भी अभ्यर्थी मैक्सिमम 3 बार ही इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ कि ये खबर पूरी तरीके से फर्जी है और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों, पीएनपी सिर्फ एक परीक्षा कराने के लिए संस्था है जो कि डीएलएड की परीक्षाएं और साथ ही साथ यूपी टेट की परीक्षाएं आयोजित करता है। पीएनपी कोई भी रूल मेकिंग बॉडी नहीं है। अगर टेट से संबंधित कोई इस प्रकार का नियम अगर बनता है तो उसमें रूल मेकिंग बॉडी सिर्फ और सिर्फ एनसीटीई है और सिर्फ उसी के को अथॉरिटी है कि इसके रिगार्डिंग अगर कोई नियम बनाना चाहे तो बना सकता है। पीएनपी का इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होता है। पीएनपी सिर्फ और सिर्फ एनसीटी के गाइडलाइंस को ही फॉलो करती है और उसी के नियमों के अनुसार परीक्षा आयोजित करती है। तो आप इसके लिए पूरी तरीके से निश्चिंत रहें, पीएनपी को ये कतई भी अथॉरिटी नहीं है कि वह इस प्रकार के नियम इंट्रोड्यूस कर दे। हालांकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये नियम असंभव है। भविष्य में हो भी सकता है कि एनसीटी द्वारा कोई ऐसा गाइडलाइन जारी किया जाए, लेकिन अभी वर्तमान में इस प्रकार का कोई भी रूल नहीं है और ये जो खबर वायरल हो रही है ये पूरी तरीके से फेक है। आप इस पर विश्वास ना करें और इससे भ्रमित ना हो। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।